सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद जो हमारे लिए ज्ञान विज्ञान का भंडार है, ऐसा विज्ञान जो व्यक्ति को व्यष्टि जो है वो समष्टि के लिए, समष्टि का व्यष्टि के लिए ठीक ठीक जो विवेक है उसकी हम यहाँ से प्रपूर्ति करते हैं। अर्थात व्यक्ति हो या समाज हो या संसार हो, उसका ठीक ठीक निर्वहन करना, कर्तव्य का निर्वहन करना, ये हमको वेदों के ज्ञान से सीखने को मिलता है। इसलिए वेदों का ज्ञान सबसे महान कहा जाता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदरता के साथ नए नए मंत्रों को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो हमारे अंदर उत्साह का संचार कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रेरणा एक जागृत हो रही कि वास्तव में यह जीवन हम सबका पवित्र हो, निष्काम हो, निष्कलंक हो, निश्चल हो, निर्द्वंद हो, निरंकार निराहंकार से हम परिपूर्ण हो। इस दृष्टि को स्पष्ट रूप से विधि और निषेध के रूप में वेदों में हमको बताया है, वेदों में हमको सिखाया है। तो इसके आदेश, उपदेश, निर्देश को, संदेश को हम आत्मसात करेंगे तो निसंदेह इसमें कोई संदेह करने की, शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन स्वयं ही हमारा व्यवस्थित हो जाता है, हम आत्मस्थ हो जाते हैं, आत्म उत्थान की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो उसका उपाय भी है और उपाय में बहुत ही सुंदर बात कही है जिसका हम यहाँ सब जीवन में उन्नति के पथ पर जो जो हमारे लिए आवश्यक है वह सब यहाँ सुलभ है। गुरुओं की शरणागति की प्राप्ति ही सब प्रकार की दुर्गति का नाश करने वाली है। तो इसका आचरण हमारे अंदर होना चाहिए। हम उस परमात्मा की भक्ति, उसके प्रेम में सने जब हों, उससे अभिषिक्त हों, उनके आशीष से हम सदा आप्लावित हों, तो हमारा जीवन सुरभित होगा, सुगंधित होगा, विलसित होगा, विकसित होगा, जिससे हम दूसरों के जीवन में भी ऐसा आधान कर सकते हैं। तो आसक्ति हमारे लिए दुर्गति का कारण होती है, अनासक्ति हमारे लिए उत्सव और एक प्रकार से जो जीवन में मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, अनासक्त भाव से जीवन को जीना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रेरणा के यह वाक्य हैं। मैं इस वेद मंत्र को लिखता हूँ 48वें सूक्त के तीसरे मंत्र का यहाँ पर मैं वाचन करूँगा, पहले लिख देता हूँ। ओम उवा सोषा
ओम उवाशोषा उच्छाच्य उच्छाच्य नु देवी जीरा रथा नाम ये अस्या आचरणेषु ये अस्य आचरणेषु आचरणेषु दध्रिरे समुद्रे दध्रिरे समुद्रे न स्रवस्त्यवः उच्चारण मंत्र का करेंगे एक बार। ओम उवासोषा उच्छाच्य नु देवी जीरा रथा नाम ये अस्या आचरणेषु दध्रिरे समुद्रे न स्रवस्त्यवः। ओम उवाशोषा उच्छाच्य नु देवी जीरा रथानाम् ये अस्या आचरणेषु दध्रिरे समुद्रे न स्रवस्त्यवः। भावार्थ इस मंत्र का इस प्रकार से है कि उवासोषा ओम जो हम परमात्मा के मुख्य नाम ओंकार का उच्चारण करते हैं और वेद मंत्र के पहले भी ओंकार का उच्चारण आवश्यक बताया जाता है। उषा उषा काल ने उवास आज तक भी अंधकार को दूर किया है। चनु और अब भी देवी जो प्रकाश से युक्त उषा काल उच्छात अंधकार को नष्ट करती है। यह उषा काल रथा नाम जीरा रथों की प्रेरक है। उषा के होते ही हमारे शरीर रूपी जो रथ हैं वो कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। प्रभात में निरा आलसी व्यक्ति भी उठने का प्रयास करता है। वो यद्यपि आलस्य कब तक करेगा, वो कभी ना कभी उसको उठना पड़ता है। आलसी व्यक्ति
देर से ही उठे, लेकिन लोक लाज से भी उठता है। लोग कहते हैं सूर्योदय हो गया, सिर पर सूर्य आ गया, तुम सो रहे हो अभी, तो भी वह उठ करके कार्य में प्रवृत्त होता है। कहने का आशय क्या है कि यदि सूर्य उदय होता है तो अपने साथ जीवों को प्रेरणा देता है, वो भी जागृत होकर के अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, अपने जीवन के दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। अब अपने अपने विवेक के अनुसार सबका अलग अलग उद्देश्य हो सकता है। किसी का छोटा उद्देश्य होता है, किसी का बड़ा उद्देश्य होता है, किसी का उद्देश्य केवल दो वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही पर्याप्त है, और कोई ऐसा होता है कि नहीं, मुझको स्वयं भी और दूसरों के लिए भी जीना है, तो ऐसा सामर्थ्य मुझको अर्जित करना है, ऐसे कृतित्व व्यक्तित्व से मुझको परिपूर्ण अपने आप को करना है जिससे मैं हजारों लाखों लोगों का मान बढ़ा सकूं, उनका सहयोग कर सकूं, सेवा कर सकूं, उनका साथ दे सकूं, और कुछ अपने ही लिए केवल परेशान रहते हैं। तो जिसका जैसा जैसा जितना जितना जान परिजान होता है, वैसे वैसे उसके उद्देश्य होते हैं और वैसी वो प्रेरणा प्राप्त करता है। अस्याः इस उषा काल के आचरणेषु समन्तात् गति करने पर दधिरे अपनी इंद्रियों व मन का धारण करते हैं, अर्थात चित्तवृत्ति निरोध रूप योग में प्रवृत्त होते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, व्यक्ति जो सुबह सुबह जाग करके अपनी दिनचर्या में प्रवृत्त होता है, योग प्राणायाम करता है, अपना ध्यान उस परमात्मा में, उस भगवान में लगाता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन का समाधान होता है। प्रभु प्रेम में ही, प्रभु की भक्ति में ही हमको शक्ति मिलती है, उसी में शक्ति निहित है। इसलिए उस आनंद घन समुद्रे दधिरे समुद्रे, उस अपनी इंद्रियों और मन को धारण करते हुए चित्तवृत्तियों के निरोध रूपी योग में प्रवृत्त होते हुए, योगस चित्तवृत्ति निरोधा आप सब जानते हैं, तो योगस चित्तवृत्ति निरोधा योग का अनुष्ठान करके व्यक्ति अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध करके उस प्रभु जो समुद्रे सा उस आनंद रूप प्रभु में निवास करते हैं, ये लोग ना स्रवस्त्यवः धन की कामना वाले नहीं होते। स्रवस, स्रवस बोलते हैं वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ है, हमारा स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति, हमारा धन है। यद्यपि व्यक्ति यदि तन और मन दोनों को स्वस्थ रखना चाहता है तो बिना योग के संभव नहीं हो सकता। योग ऐसा साधन है जिससे हम मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के रोगों में विजय प्राप्त करते हैं, और शारीरिक हो या मानसिक, इन दोनों सुखों से जो वंचित है उसकी चाहे जितनी ही वेल्थ हो, जब हेल्थ नहीं ठीक तो वेल्थ किस काम की। सांसारिक जो समृद्धि है, जो सांसारिक हम उत्थान जिसमें समझते हैं, भौतिक उत्थान समझते हैं, वह भी होना चाहिए। वयम श्याम पतयो रईणाम रोज मंत्र पाठ करते हैं कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, कंगाल न हो, कमजोर न हो, हम फटे हाल न रहें, हर हाल में खुशहाल रहें, ऐसा हम समर्थ बने। परंतु ये जो बाहर की समृद्धि है, बाहर का जो सामर्थ्य है, बाहर की जो भौतिक सुख की कामना है, यदि व्यक्ति उसमें फंसेगा तो निश्चित रूप से अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाएगा। बाहर की उन्नति करनी है, अंदर की भी करनी है, अभ्युदय भी होना है, निःश्रेयस भी चाहिए। अभ्युदय के बिना निःश्रेयस नहीं है, क्योंकि यदि तन मन हमारा ठीक नहीं तो तन मन भी, तो स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य हमारा नहीं ठीक है, मन का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, शरीर का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, तो धन कितना भी लगा हो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का धनी व्यक्ति हो,
धनवान हो, लेकिन जब उसका ज्ञान, उसका ध्यान ईश्वर की ओर नहीं होगा तो बलवान नहीं हो सकता। आत्मबल नहीं होगा, मानसिक बल नहीं होगा, शरीर का बल नहीं होगा। सब प्रकार के बलों का दाता जो ईश्वर है, उसकी हम शरणागति कैसे प्राप्त करें? योग को माध्यम बना करके, योग ध्यान से, अष्टांग योग से हम उसका आचरण करें और आसक्ति हमारी बाहा जो बाह्य वस्तुएं हैं, बाह्य जो आकर्षण है उनसे हम बचें। तो दोनों प्रकार से इस प्रकार हम जीवन को अच्छा जी सकते हैं कि धन की कामना वाले ना हो, प्रभु की कामना वाले हों। प्रभु का धन ही सबसे बड़ा धन है, नहीं तो सबको एक दिन निर्धन बनना है। और निर्धन अगर हृदय का भाव नहीं है तो कितना बड़ा भी धन हो, अरबों खरबों का जो वाली है लेकिन उसके अंदर संवेदना नहीं होती है, जब भाव नहीं होते हैं तो वो कितना बड़ा धनी हो उस निर्धन ही कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर हृदय का जो भाव है वो उसका धन नहीं है। करुणा का धन नहीं है, विवेक का धन नहीं है, परस्परता का धन नहीं है, उससे तो कंगाल है। एक व्यक्ति खाकपति है, कुछ भी नहीं बेचारे के पास, लेकिन वो उसके अंदर भावना है कि जो कुछ मेरे पास है मिलजुल करके, वो चाहे स्वयं भूखा रहे लेकिन दूसरों अगर कोई उसके सामने आकर के मांगता है या उससे सहयोग की अपेक्षा रखता है तो अपना जो है भोजन भी उसको दे देते हैं, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से श्लाघनीय है, उसका जीवन श्लाघनीय है, वह पुरस्कृत होता है सब जगह जो दूसरों के लिए जीता है। लेकिन जो केवल अपने लिए, अपने प्राण पोषण के लिए लगा रहता है वह तिरस्कृत होता है, तिरस्कार मिलता है। तो हमारे जीवन के ऊपर निर्भर करता है कि हमको पुरस्कार मिले या तिरस्कार मिले। जिनके संस्कार जैसे होंगे वो दो ही चीजें हैं, या तो विधि के द्वारा हम पुरस्कार प्राप्त कर लें, विधि निषेध का आचरण करते हुए जीवन को श्रेष्ठ बना लें, और एक ये है कि विधि निषेध का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, जहां उसका स्वार्थ टकराता है वो समझौता कर लेता है अपने संकल्पों से, अपने विचारों से, तो वह व्यक्ति असफल होगा। यहां पर यही बात कही है कि हम प्रभु की भक्ति के कामना वाले हो, जो संसारिक संसार का जो माया जाल है, संसार जो निरासार है, असार है, निराधार है, उसकी जो आसक्ति है वो ना हो। एक और हम इसको ये कह रहे हैं कि ये यदि आधार पर हम काम नहीं करेंगे, इसके मूल पर काम नहीं करेंगे तो भूल होगी। मूल क्या है? मूल ये है कि हमको संसार को दिव्यता से भरने के लिए अपने सामर्थ्य का सदुपयोग करना है और परोपकार से स्वउपकार की जो भावना उसको सिद्ध करना है। परोपकार से जो स्वार्थ की भावना उसको सिद्ध करना है, स्वार्थ का मतलब यहां गलत अर्थ में स्वार्थ नहीं है, स्व माने अपना, अर्थ माने लिए, अपने लिए, अपना मतलब आत्मोन्नति के लिए, जगत की उत्पत्ति जो हुई है परमात्मा ने सबके कल्याण के लिए किया है, तो आत्म कल्याण हमारा हो, ऐसे पथ का हम चुनाव करें, और यह योग पथ ही हमको सबसे आगे ले जाने वाला है। अच्छे व्यक्ति वही होते हैं जो उषा के होते ही क्रियाशील बनते हैं और इंद्रियों व मन का निरोध करते हुए प्रभु में विचरण करते हैं, धन के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होते हैं, धन की कभी उनको कामना नहीं होती है। धन तो मिलेगा जैसा जैसा जिसका जिस ओर सामर्थ्य होगा, परमात्मा के यहां देर है, अंधेर नहीं है। जो पुरुषार्थ करता है, जिस ओर पुरुषार्थ करता है, परमात्मा उसके परिश्रम को निरर्थक कभी जाने नहीं देता है। अतः यहां पर यह बात जो कही है कि हमको उषा काल में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, उषा काल में हम क्रियाशील बने। उषा काल में यदि हम सोते रहेंगे, क्रियाशील नहीं होंगे, तो तन और मन
दोनों के रोग हमको सताएंगे। यहां तक कि पशु पक्षी भी उषा काल में बिना जगाए जग जाते हैं। कभी भी किसी जो है पशु को अलार्म लगाने की आवश्यकता है क्या? नहीं आवश्यकता है। कभी कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई गाय भैंस या बकरी कभी अलार्म नहीं लगाती, लेकिन जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है उनको चाहे कितने ही घर के अंदर आप बंद कर दीजिए, वो उस समय आपको खड़े मिलेंगे जिस समय प्रभात होगा। तो हम भी क्रियाशील रहें, एक क्षण का भी प्रमाद हमारे लिए मृत्यु के समान होगा। एक एक पल पल जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है वह एक पल के लिए निठल्ला हो ही नहीं सकता, अक्रियाशील हो ही नहीं सकता है। क्रियाशीलता के लिए सतत वह परमात्मा की प्रेरणा से जागृत रहता है, परमात्मा की प्रेरणा उसको कभी भी आलस्य में नहीं रखती है। और लोग गाते भी हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, टुक नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। एक माँ अपने बच्चे को जगा रही है, बेटा उठो बेटा उठो, सूर्य बहुत ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी धूप निकल आई है, उठ जाओ, अब तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आप उठे नहीं, उठ जाओ। अब बेटा बोल रहा है कि माँ आज सूर्य भूल गया है, आज वो पहले जो है उदय उसका हो गया है, वो सिर के ऊपर पहले ही आ गया है। ऐसे तर्क वाले व्यक्ति को आप उठा सकते हैं क्या? जो अपना निज कर्तव्य नहीं जानता है और दूसरों के जगाने पर भी नहीं जगता है, क्या करेंगे ऐसे व्यक्ति का? अपनी स्वप्रेरणा से, अपने आप हम स्वस्फूर्ति से जीवन को जीते हैं तो उस विधाता की कृपा हमारे ऊपर होती है। और उसकी कृपा ऐसा नहीं कि किसी को मिले किसी को ना मिले, कारण उपस्थित करोगे तो कार्य जरूर होगा। यदि धुआं है कहीं तो कहीं ना कहीं आग जरूर होनी चाहिए, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान की जो महिमा है, उसका जो गुणगान है, वो सभी इंसानों को महान बनाता है। इसलिए प्रभु की महिमा का क्या क्या बखान किया जाए, ये सारा जहान ही उसका बखान है, ये सारा जहान ही उसका बखान है। ये सारा जो वानस्पतिक जगत है, पत्ता पत्ता उसकी सत्ता उसकी व्यवस्था का बखान कर रहा है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हों। इसलिए कहा, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा। भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा,
अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होगा, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे कुछ बोलने से पहले। ये संसार में हम यदि विचार करें, कितना कितना, जितना जितना हम जाते जाते हैं उतना उतना लगता है ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। हमको पूरे दिन भर में जो कार्य किया है, हम शयन करते समय आत्मचिंतन करें और प्रभात में उठने से पहले उसका थोड़ा सा ध्यान करें। आज का यह जीवन, आज का यह दिन, आज का यह जो शुभ है का दिन है या मेरे दिव्यता का दिन है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता का दिन है। और उस परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य दिया, ये संसार मेरे लिए दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हमको जापित करना चाहिए, तो हमारा सामर्थ्य और प्रबल होगा, बढ़ेगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।